तो दोस्तों ये लोकल बस दुबई की है। दुबई की लोकल बस में कैसे सफ़र करना है, क्या एहतियात बरतने हैं आपको, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोकल बस फुल एसी बस है और ये लाल जो डब्बा लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये कार्ड पंच करने के लिए बॉक्स है। तो सबसे पहले आपको एक कार्ड लेना है 25 दिरहम का, उसे मोबाइल की तरह आप रिचार्ज कर सकते हैं। 50 दिरहम में आपका 1 महीना निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं बहुत बस रूट है यहाँ पे, बहुत आसानी के साथ आपको बस यहाँ पे मिल सकती है। देखिए ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप पर बसेस खड़ी है। याद रखना है आपको बस में चढ़ते समय उतरते समय इस लाल बॉक्स पे कार्ड को पंच करना है, और आप जितना सफ़र करेंगे उतना आपका पैसा कट जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए उतरते समय पंच जरूर कीजिए, और इसके ये सब प्रेशर डोर हैं अपने आप खुल जाते हैं और बस स्टॉप आते ही, और आपको चढ़ना है तो फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो डोर ओपन हो जाते हैं। ये डेरा दुबई का बस स्टैंड है। देखिए बहुत सारी बस सर्विस हैं और हर बस के आगे नंबर और कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है पूरी डिटेल यहाँ पे दी रहती है, और आप किसी से पूछ भी सकते हैं। सबको हिंदी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन आप बोलते हैं हिंदी सब यहाँ पे, तो इजीली आप कंफर्म कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, कौन सा बस नंबर आपको चाहिए। तो ये देख सकते हैं पीछे एलईडी लगी हुई है बस के, और ऐसी ही जो एलईडी है एक वो सामने लगी हुई है, तो इस पे रूट पूरा आता रहता है बस का भी, कौन सा स्टॉप निकल गया है, कौन सा स्टॉप नेक्स्ट आने वाला है, तो उसकी पूरी जानकारी इन एलईडी पर दिखती है और बोलकर अनाउंस भी की जाती है। तो बहुत ही आसान है बस में सफ़र करना और बहुत सस्ता पड़ता है। टैक्सी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है दुबई में, क्योंकि टैक्सी के अलावा और कोई साधन नहीं है। तो सर्विस भी बहुत अच्छी है, एकदम फास्ट सर्विस है, तो ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप बहुत ही इजीली बस में कहीं भी दुबई में आ जा सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी, अगर वहाँ पे रह के काम कर रहे हैं तो भी आप बस सर्विस को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।